तो हे गाइस, सुपर हीरो जोन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एवेंजर्स की न्यू टीम के बारे में, जो कि मार्वल फेज 5 में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो रिसेंटली ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एवेंजर्स की एक न्यू टीम बनाएगा रेड हल्क से लड़ने के लिए, और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हैरिसन फोर्ड रेड हल्क का कैरेक्टर प्ले करने वाले। और शायद से मूवी में ऐसा हो सकता है कि जनरल रॉस यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाए, और उसके बाद जनरल रॉस थंडरबोल्ट यानी डार्क एवेंजर्स की टीम को एमसीयू की एवेंजर्स टीम बना दे, जो उसके लिए काम करेगी। और ऐसा कॉमिक में भी हुआ है जहां जनरल रॉस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क एवेंजर्स की टीम बनाता है। तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखेंगे कि सैम विल्सन जनरल रॉस यानी रेड हल्क से लड़ने के लिए न्यू एवेंजर्स की टीम बनाएगा, और इस टीम में वही कैरेक्टर होंगे जिनका डेब्यू फेज 4 में हुआ है, जैसे मून नाइट, सी हल्क, शैंग-ची, मिस मार्वल, और शायद पुरानी मूवीज के भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, ब्रूस बैनर का हल्क, रोडी का वॉर मशीन, और सूरी की ब्लैक पैंथर, और थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स को शायद कैंग डायनेस्टी के लिए बचा के रखेंगे। और जब न्यू एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाएगी, तब ये थंडरबोल्ट्स से फेज 5 के एंड में फाइट करेंगे। और ऐसे भी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स में मार्वल का एविल सुपरमैन देखने को मिलने वाला है, जो या तो सेंट्री होगा या हाइपेरियन। आप लोग इन दोनों में से किसे देखना पसंद करोगे कमेंट में बताना। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना।